ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोम। यह भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं के धूमेना प्रियते वहिनी यथा दर्शो मले न च यथोल्वेना व्रतो गर्वस्तथा तदे तनेदमावृतम्। धूमेन आव्रियते वहिनी यथा आदर्श मलेन च यथा उल्वेन आवृत्तः गर्व तथा तेन इदम आवृतम्। यह भगवान जो हैं दृष्टांतों के द्वारा समझा रहे हैं। धूमेन यानी धुएं से, आप्रियते यानी ढका जाता है, वहिनी यानी अग्नि, यथा यानी जिस प्रकार, आदर्श यानी दर्पण, मलेन यानी मैल से, च यानी और, यथा यानी जिस प्रकार, उल्वेन यानी जेर से, आवृत्ता यानी ढका रहता है, गर्व यानी गर्व, तथा यानी वैसे ही, तेन यानी उस काम के द्वारा, इदम यानी यह ज्ञान ढका रहता है। इसका शाब्दिक अर्थ इस तरह के है कि जिस प्रकार से धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत आकाश गंगा में जिनका विस्तार है, ऐसे महानतम इस संसार के स्वामी मालिक और मनुष्य के शरीर में आकर अर्जुन रूपी जिज्ञासु के माध्यम से सारे जगत को समझा रहे हैं और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो अर्जुन ने पूछा था कि ऐसा कौन सा फोर्स है, ऐसी कौन सी ताकत है जो बलपूर्वक पाप कराने को प्रवृत्त करती है। तो उसके लिए तीन उदाहरण देकर समझा रहे हैं, थ्री एग्जाम्पल्स, तीन उदाहरण। भगवान कहते हैं ए अर्जुन, जैसे धुएं से अग्नि ढकी होती है, आग ढकी होती है धुएं से, अग्नि दिखती नहीं, धुआं दिखता है, धुआं ही धुआं दिखता है, और धुआं कितना कष्ट देता है, कितनी तकलीफ देता है, धुएं से आंखों में जलन होने लग जाती है, धुएं से सांस अवरुद्ध होने लग जाती है, सांस में घुटन होने लग जाती है। धुएं में फंसकर मैंने देखा है, सुना है, धुएं में फंसकर आदमी घुटकर मर भी जाता है। कई बार फैक्ट्रियों में धुएं से कितने श्रमिक मर गए। निरंतर धुएं के वातावरण में जो लोग काम करते हैं, धुएं की फैक्ट्रियों में जैसे कोयले वगैरह जलते हैं, जहां जहां धुआं होता है वहां पर लोगों को फेफड़े का कैंसर हो जाता है, दमा हो जाता है। इसलिए यह जो धुआं है, इस धुएं का उदाहरण दे रहे हैं भगवान कि जिस प्रकार धुएं से आग ढकी रहती है, उसी प्रकार से इस काम रूपी धुएं से आपका ज्ञान रूपी जो आत्म तत्व है वो ढका हुआ है। तो इस तरह से क्या कह रहे हैं भगवान कि काम वासना तुम्हारे अंदर इतना धुआं उत्पन्न करती है। आप अंदर देख घुस के देखो, जब आप युवा थे, किशोर थे, दिमाग में काम वासना के विचार कितने आए करते थे, और अभी भी कभी कभार, या अभी भी देखो अपने अंदर कि कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर ये धुआं आपके अंदर, तरह तरह की कामनाओं का जो धुआं है वो आपके अंदर उठता ही रहता है।
वृत्तियों का धुआं है, यह आपके अंदर उठता ही रहता है। विभिन्न प्रकार के कामनाओं के, ये पालूं, वो खा लूं, ये ले लूं, वहां चला जाऊं, वो कर लूं, वो खरीद लूं, विभिन्न प्रकार की कामनाएं और वासनाएं आपको अंदर ही अंदर धुआं ही उनका जो है घूमता रहता है। जैसे किसी बंद कमरे में कोई धुआं हो वो घूमता रहता है, ऐसे तुम्हारी चेतना के अंदर धुआं घूमता रहता है। ये जहरीली कुटिलताओं का जो धुआं है, ये तुम्हारी चालाकियां हैं, ये अंदर मन का जो कमीनापन है इसका धुआं, ये कितने तनावों अशांति में घुट घुट कर तुम जी रहे हो। कामनाओं के ये धुएं से भरी हुई आग में तुम्हारे अंदर जो विशेष घटनाओं की चोटों के फफोले पड़ गए हैं तुम्हारे अंदर। कहते हैं कि गधी पीछे गधा फिरे तो क्यों ना दुलत्ती खाए। गधी के पीछे गधा घूमता है, वो दोनों टांग उठा के जोर से मारती है, उसके होंठों को फोड़ देती है, उसके मुंह को लहू लुहान कर देती है। ऐसी ये वासनाएं तुम्हारी चेतना को लहू लुहान की है, तुम्हारे अंदर फफोले जैसे पड़े हुए हैं, तुम्हारी दृष्टि इतनी धूमिल हो गई, आंखें तुम्हारी खराब हो गई हैं कि तुम्हें रास्ता ही नहीं सूझता। तुम जरा सा कोई प्यार से बात कर लेता है, धार्मिक बात कर लेता है, तुम उसको गुरु बना लेते हो, उसके पीछे चले जाते हो। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि परमात्मा तक जाने का, इस धुएं से हटने का, अपनी आत्मा रूपी ज्ञान अग्नि तक को प्रज्वलित करने का कौन सा मार्ग है, तुम्हें पता ही नहीं है। आगे ना तो तुम्हें भविष्य दिखाई देता और इस धुएं के कारण तुमने पीछे जो गलतियां की हैं वो भी तुम्हें दिखाई नहीं देती। काम वासना से अतृप्त व्यक्ति कितने घुटन का अनुभव करता है आपको पता होना चाहिए। वो कभी न रात में सो सकता है, न दिन में चैन से रह सकता है, न भोजन कर सकता है। इतनी घुटन होती है उसको कि कभी कोई साथी लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे को धोखा यदि दे देते हैं तो वो जहर खा के मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। कुछ लोगों को तो मैंने ही बचाया है जहर खाने वालों को। तो इस प्रकार से कभी कभी वो जघन्य अपराध भी कर बैठता है, प्रेमिका की हत्या कर देता है, या उसके माँ बाप पर आक्रमण कर देता है, या कोई विघ्न डालने वाले आदमी पर आक्रमण कर देता है। दिन रात ये कामनाएं, ये वासनाएं, ये इच्छाएं तुम्हें जला रही हैं। रात रात भर तुम उन्हीं के मंसूबे बनाते रहते हो, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, विचार की आंधियां चलती रहती हैं तुम्हारे दिमाग में। ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारा दिमाग चकराने लग जाता है, तुम्हें कुछ कंक्लूजन, कोई रिजल्ट नहीं पता लगता? ये कामनाओं की अतृप्ति के कारण और तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो ज्ञान है वो ढक गया है, और ज्ञान के ढक जाने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए ये कामनाओं का जो धुआं है ये आपको कुत्ते, बिल्ली, सुअर इत्यादि की योनियों की ओर ले जाता है, क्योंकि इस जन्म में तुमको मिला नहीं, तुम उसको जानवरों के जन्म में ढूंढना चाहते हो। यहां पर तुम्हें स्वतंत्रता पूर्वक मादाओं के साथ नहीं उठने बैठने दिया जाता, तुम कुत्तों को स्वतंत्रता पूर्वक कुत्तियों के साथ घूमते हुए सड़क पे देखते हो। तुम्हारे अंदर एक वृत्ति खड़ी होती है, हे भगवान मेरे से तो कुत्ता ही अच्छा है रे। लो, तुमने कुत्ता बनने की तैयारी कर ली, तुम्हारी वृत्ति में कुत्ते की श्रेष्ठता आ गई। तुम किसी भी प्रकार से अन्य अन्य वासनाओं में अगर समाज द्वारा प्रतिबंधित कर दिए जाते हो तो तुम कहते हो अरे ये जानवर तो अपने से अच्छा है, फल खाने नहीं मिल रहा, अरे बंदर कितना अच्छा है, इसको फल खाने मिलते हैं। तुमने बंदर का जन्म तय कर लिया अपना। तुमको किसी ने बहुत चोट पहुंचाई हो, तुम सोचते हो अरे काश मैं नाग होता तो उसको काट लेता, बस नाग का जन्म तुमने तैयार कर लिया। तुम अपनी कामनाओं को मनुष्य के जन्म में ना पाकर जानवरों के जन्म में ढूंढने चले जाते हो। ये तुम्हारे विचार के धुएं एक समान 2400 घंटे तुम्हें घेरे लेते हैं, और कितनी तरह की इनमें दुर्गंध है
इन विचारों के धुएं में तुम्हारी वृत्तियों की बेहोशी मिली हुई है, जैसे किसी धुएं में कोई प्लास्टिक जल रहा हो, या कोई चमड़ा जल रहा हो, या कहीं बाल जल रहे हो, या कहीं किसी का मांस जल रहा हो, उसकी दुर्गंध मिली रहती है। ऐसे तुम्हारे इन वृत्तियों की जो दुर्गंध है इसमें मिली रहती है, और तुम बेहोश हो जाते हो धुएं के कारण। ये कामनाओं की दुर्गंध है, ये कुटिलताओं का जहरीला धुआं है। इस धुएं में निरंतर जीते जीते तुमने नास्तिकता का कैंसर पैदा कर लिया है, तुम्हें दंभ का दमा हो गया है, तुम छोटी छोटी बातों में अपना दंभ दिखाने लग जाते हो। इस तरह पूरे जीवन को तुमने धुएं धुएं में बर्बाद करके, और मैं कहता हूं कि अपने अवसर का, अपने ज्ञान की क्षमता का, अपनी जीवन मुक्ति के लाभ को तुमने धुंधका दिया है। मालवा में इसको गाली मानते हैं, कहते हैं धुंधक जा, मतलब मरघट में जाके धुंधक। तो इस प्रकार से तुमने अपना जो जीवन है इसको जीते जी मरघट बना दिया है। धीरे धीरे तुम जला करते हो अंदर ही अंदर। तुम्हारा जीवन इन विचारों के धुएं के रंग में रंग जाता है। तुम्हारी ओरिजिनल जो सुंदरता थी, जो तुम्हारा मौलिक सौंदर्य था, वो इन विचारों के धुएं के कारण खराब हो जाता है। तुम देखो देवियों को, जो ज्यादा सोच विचार करती हैं, चिंता करती हैं, ऐसी देवियां जो हैं उनकी आंखों के चारों तरफ काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये तुम्हारे विचारों के धुएं का कालापन है, चकते पड़ जाते हैं काले काले। और धीरे धीरे ये स्थिति हो जाती है कि तुम्हारा जो सुंदर सौम्य चेहरा था किशोर अवस्था का, वो बड़ा डरावना और बड़ा विकृत हो जाता है। लोग तुम्हारे चेहरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे विचार इतने ज्यादा विषाक्त हैं, उसका प्रतिबिंब तुम्हारे चेहरे पर आता है। इसलिए लोग कहते हैं द फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड, चेहरा तुम्हारे दिमाग का दर्पण है। तुम अस्तित्व से अपरिचित हुए थे, जन्म से ही अस्तित्व से अपरिचित थे, जीवन भी अस्तित्व से अपरिचित होकर जीते हो, और मृत्यु भी तुम्हारी अस्तित्व से अपरिचित होकर ही हो जाती है। तुम अज्ञानी ही मर जाते हो। अपने अंदर की जो ज्ञान अग्नि थी उसको तुम उद्दीप्त ही नहीं कर पाते, तुम भबक कर जीवन ही नहीं जी पाते। तुम प्रज्वलित होकर आत्म अग्नि की लपट को उठा नहीं पाते, और उससे क्या होता है, उस लपट के ना उठने से तुम्हारे कर्म का धन नहीं हो पाता। भगवान आगे कहेंगे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। यह है तुम्हारे एक उदाहरण दिया भगवान ने धुएं का, कि धुमेन आवृतम वहिनी, धुएं से अग्नि जिस प्रकार ढक जाती है, वैसे ही तुम्हारा ज्ञान इस काम वासना के धुएं के विचारों ने, धुएं रूपी विचारों ने ढक रखा है। अब दूसरा उदाहरण ले, दूसरे उदाहरण में भगवान ने दर्पण यानी आदर्श का उदाहरण दिया है। यह जो तुम्हारा आत्म तत्व है, यह है तुम्हारा वास्तविक रूप, और यह जो तुम्हारा अंतःकरण है यह एक दर्पण है। जैसे दर्पण पर धूल और कालिक और कीचड़ इत्यादि जमा हो, तो दर्पण मर आप चेहरा नहीं देख सकते। यदि आप किसी झील के किनारे खड़े हैं और झील में लहरें उठ रही हैं, तो उस झील में आपको चंद्रमा का प्रतिबिंब ठीक से दिखाई नहीं देगा, और झील शांत है तो दिखेगा। ऐसे ही यह जो दर्पण है तुम्हारा, ये निर्मल स्वच्छ अपने आप में, अगर चिदाभास को तुम देख सको इस दर्पण में, चिदाभास जीव को कहते हैं, चिदाभास को यदि तुम देख लो एक बार, तो तुम जान लोगे कि ये चिदाभास है और ये मैं हूं, दोनों को अलग अलग देख लोगे। ये हम
चिदाभास का दर्शन भान अवस्था में करते हैं। तो चिदाभास से अलग होकर जब आत्मज्ञान को तुम प्राप्त कर सकते हो, परंतु आपका परम दुर्भाग्य यही है कि आपके दर्पण पर मैल चढ़ा है, धूल जमी है, कालिक जमी है, जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं उसका ये मैल है, ये आपके अंदर जो ज्ञान का दर्पण है, जानने की जो आपकी क्षमता है, आपका जो अंदर का पावित्र है, ये पावित्र आपका खत्म हो गया है। आत्मा रूपी दर्शन के लिए जो परमात्मा ने आपको दर्पण दिया था, उस दर्पण में यह क्या हो गया है, मैल जम गया है। मैं कहना चाहूंगा कि यह जो आपका अंतःकरण है, अगर आप इसके साक्षी हो जाएंगे तो आपको वो एक अवस्था आएगी जब आपको आपके माध्यम से आपका दर्शन होगा, यानी आपका आत्म स्वरूप आपको साक्षात हो जाएगा। इस दर्पण को जब तक आप ध्यान की विधि से साफ नहीं करेंगे, तब तक आप सही रूप में नहीं जान पाएंगे कि आप हो कौन। ज्ञान आपको हो नहीं पाएगा। ऐसे जैसे पंच तत्वों का मैल इस पर है, धूल है, पानी है, इंद्रियों के विकार है, जन्म जन्म के संस्कार है, कूड़ा है, कचरा है, वासनाओं का मल है, पुराने जन्मों की आदत है। देखो कोई आदमी बंदर जैसा खोपड़ी खोजाता रहता है, तुरंत पता लग जाता है कि बंदर के जन्म से आया है। कोई आदमी पाड़े जैसा जीवन है उसका, बोलता है तो ऐसा लगता है वाँ वाँ करके बोल रहा है। ऐसे आदमी की जो पुराने जन्मों के आते हैं, वो अवशेष हैं, वो तुम्हारे इस दर्पण को धूमिल किए हुए हैं। तुम्हारा चेतन, तुम्हारा अचेतन, तुम्हारा अवचेतन, इसकी परतों में कितने भयावह और दयावह पदार्थिक अवशेषों के टुकड़े तुम्हारे दर्पण को ढके पड़े हुए हैं। तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे भूकंप में कोई बड़ी इमारत टूट जाए और उसके बेसमेंट में तुम दबे हुए हो और वहां से चिल्ला रहे हो बचाओ बचाओ, और हिल सकते हो ना डूल सकते हो। तुम्हारे ऊपर की जो चट्टान है और वहां पर बहुत टनों जो है मलबा पड़ा हुआ है, और फिर तुम जोर से पुकारते हो, जब तक तुम्हारे अंदर ऊर्जा रहती है तब तक पुकारते हो। तो अगर जब तक तुम्हारा होश है उस होश तक अगर तुम पुकारो, और तुम्हारा सौभाग्य हो कि कुछ सतगुरु या कोई बचाव दल का आदमी, या सतगुरु को लेना बचाव दल के आदमी में, अगर सतगुरु तुम्हारे आवाज को सुन ले और ज्ञान की जैसे भी मशीन लेकर और ऊपर से मलबा हटा दे, तो संभव है कि तुम बच सकते हो, नहीं तो तुम्हारा बचना संभव नहीं हो पाता है। इसी तरह से इस दर्पण का जो कचरा है, मैल है, ये तुम्हारा जो है तभी हट सकता है, दर्पण का कचरे मैल, जब कोई सदगुरु तुम्हें बचाने आ जाए। ये मानव का जो जन्म है, सब कहते हैं और मैं कहता हूं कि ये मात्र अवसर है। इट इज ए गोल्डन चांस टू अचीव योरसेल्फ, टू नो योरसेल्फ। जब तुम सदगुरु तारणहार को पुकार सकते हो, आगे पीछे के जन्म तो गहन मूर्छा के हैं, केवल यही एक जन्म है जब तुम सदगुरु को पुकार सकते हो। बस देखो बच्चों, इस जन्म में, मनुष्य के जन्म में कोई आदमी तुम्हारी हत्या करने का प्रयास करे तो तुम्हें उस FIR दर्ज करवा सकते हो, अपने लिए पुलिस से सुरक्षा मांग सकते हो, समाज से कुछ सुरक्षा मांग सकते हो। लेकिन मेंढक किसके खिलाफ FIR दर्ज कराए जो सांप उसको जिंदा खा जाता है? बकरा किसके खिलाफ FIR दर्ज कराए कि कसाई उसको काट के टुकड़ों टुकड़ों में बांट के लोगों को खिला देता है? मुर्गा किसके खिलाफ FIR दर्ज कराए कि मुर्गे को पूरा छील के और तंदूर में भून लिया जाता है? अंडा किसके लिए FIR दर्ज कराए जो कि पानी में उबाल दिया जाता है? इसलिए यह मनुष्य के जन्म ने, में अस्तित्व ने आपको सुरक्षा प्रदान की है, अन्य जन्मों में अस्तित्व ने आपको सुरक्षा प्रदान नहीं की है।
कान खोल के सुन लो। सुअर, कुत्ता, गधा, बिल्ली, चूहा, चींटी, सांप, मेंढक, ये आप ये सतगुरु को पुकारना भी चाहे तो पुकार नहीं सकते हैं, इनको वो अवसर नहीं दिया गया है। इनकी बोलती बंद हो गई है, उनकी वाणी छीन ली है। मेरे प्यारो, तुम्हारा ऐसा दुर्भाग्य कभी ना आए कि तुम इस मनुष्य जन्म के अवसर से चूक कर और कुत्ता, गधा, बिल्ली, चींटी इन जन्मों में तुम जाओ। इसलिए इस आत्मरूपी दर्पण पर चढ़ी हुई जो धूल है, ये तुम्हारा शत्रु काम ने डाली है, है ना। यदि तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में आ जाओ तो ये काम ने डाली हुई, जो शत्रु ने ये धूल डाली है, इसकी डाली हुई धूल को सद्गुरु साफ कर सकते हैं और तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा सकते हैं। ये दूसरा उदाहरण होगा। भगवान श्री कृष्ण तीसरा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जेर, जेर जानते हो, जेर का तात्पर्य यह है जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, उसके ऊपर एक पानी की थैली होती है, उस थैली के अंदर पानी होता है, उसके अंदर उसका प्लेसेंटा यानी उसका जो क्या कहते हैं उसको, जेर ही कहते हैं या उर्मी कहते हैं, वो उर्मी उसके नाभि में लगी रहती है, वो बड़ी लंबी होती है, उसको चारों तरफ से घेरे रहती है और उसको इस प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल बॉल जो होती है इस सबको मिलाकर उसको जेर कहते हैं। इन सबको अपन मिलाते हैं तो इस सबको मिलाकर अपन उसको जेर कहते हैं, जेर। तो ये जेर का जो तीसरा उदाहरण है, इसको जेर का ये तीसरा उदाहरण है, जिसको भ्रूण के जन्म के बाद निकलना होता है। यदि वो जेर माता के गर्भ में रह जाए तो माता मर जाती है। वैसे ही आत्मरूपी आपका जो भ्रूण है वो परमात्मा में जाग सकता है, लेकिन इस माया के परम एजेंट काम के द्वारा ये ढका हुआ है, जिसे जेर के द्वारा गर्भ ढका हुआ है। तुम में से हर व्यक्ति ब्रह्म का गर्भ है, तुम परमात्मा हो, तुम परमात्मा को जानने और उसमें जागने के लिए पूर्णतः सक्षम हो, लेकिन मजबूरी यह है कि तुम्हारा जो काम रूपी जो शत्रु है उसने तुम्हारा ये ज्ञान को आवृत्त कर रखा है, ये जेर की तरह ढका हुआ है। भले ही ये भ्रांति है पर सत्य तुम्हें प्रतीत होती है। रामचरितमानस में कहा गया है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन ही। जड़ और चेतन की एक गांठ पड़ गई है, ये झूठी गांठ है लेकिन ये गांठ छूटती नहीं है। ये जो जड़ता की गांठ है, ये जड़ता की जो जेर है, ये आपके गले में फांसी बन गई है। उसके कारण आप इसके काम भाव के कारण विभिन्न प्रकार की मादाओं के दुर्गंध युक्त जलन से भरे हुए गंदे और मैले पानी की उस गुब्बारे के अंदर उल्टे लटके रहते हो, जिनका की पीएच मान आपकी आपकी जो त्वचा है इसको हल्का हल्का सा जलाकर आपको जलन देता है, तकलीफ देता है, जिसका गर्भ द्रव्य आपके मुंह में, आपकी नाक में, आपके आंख में, आपके हर छिद्रों में घुस जाता है और आप उसमें मछली की तरह जो है तड़फड़ाते रहते हो, तैरते रहते हो, ऐसे कई महीनों तक उसमें पड़े रहते हो। जिसे कभी देखा होगा लेबोरेटरी में कि फार्मलिन के द्रव्य में हम म्यूजियम स्पेसिमेनियन मरे हुए जानवर को रखते हैं तो तुम्हारे जीवन में है क्या, मरे हुए के समान उसमें ऊंधे मुंह पटके पड़े रहते हो, माँ के घर में कुतिया के घर में पड़े रहते हो, बगल से दूसरे कुत्तों के बगल से दूसरे गर्भ होते, कुतिया 5-6 बच्चे देती है, वो लात मारते हैं तुम्हारे में, तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, पिट रहे कुट रहे वहां, हथनी के गर्भ में पड़े रहते हो, चूहिया के गर्भ में पड़े रहते हो, सांपनी के गर्भ में अंडा बने पड़े रहते हो। अरे कितनी तुम्हारी करुण कहानी है रे, कितना बोलूं मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी कितनी दुर्गति है ज्ञान प्राप्त नहीं करने के कारण से, कितने गर्भ जेर में तुम पड़े रहते हो और माँ के बिलियन में डूबे रहते हो और उस बिलियन को सूंघ के अगर तुम देखोगे ना महाराज जी तो उल्टी कर दोगे, अगर वो बिलियन तुम्हें सूंघने को मिल जाए तो, और तुम्हारे अंदर जो है वो
जो जेर होती है वो हथकड़ी बेड़ी की तरह तुम्हें बहुत जम के कसे रहती है, ज्यादा अच्छे से हिल नहीं सकते हो, भोजन भूख लगती है तो मुंह फाड़ के वही वो गर्भ के अंदर से वो नाल आ रही है, उसी में से तुम्हें भोजन मिल जाता है और मुंह फाड़े रहते हो, वही तुम्हारे अंदर घुसता रहता है वही द्रव्य। ऐसी बुरी दशा में जीवन जीना चाहते हो क्या? सुघड़िया के गर्भ में चले जाओ तो चले सुघड़िया जिसको कि तुम छूना पसंद नहीं करते हो उसके घर में ऊंधा लटकना पड़ेगा, अज्ञानी हो गए तो रहोगे तो उसी मलमूत्र की थैली, वही मल है वही मूत्र है, उसी मलमूत्र का जो गर्मी तुम्हारे को तुमको वहां लग रही है ना, ऐसे कुत्ती सूरी सुघड़िया घोड़ी गिलहरी छिपकली और सर्पणी कितने गंदी गंदी कोख में लटकते रहते हो। हम एक भजन गाते हैं हमारे सत्संग में, वो तुमको समझ में आएगा। वो ऐसे गाते हैं कि गर्भ नरक में दुख उठाए लटक लटक, गर्भ नरक में दुख उठाए लटक लटक, भूल गया बाहर की देखी चटक मटक, वही दशा फिर भी भोगेगा, वही दशा फिर भी भोगेगा, किया न निज उपकार। तो यदि आपने अपना उपकार नहीं किया, अगर परमात्मा के साक्षात्कार की ओर नहीं बढ़े, अपने स्वरूप अपने अस्तित्व को नहीं जाना, तो मेरे प्यारों मैं तो नहीं कहता क्योंकि मेरे मित्रों को कभी ऐसा ना हो, लेकिन जो लोग नहीं मानेंगे वो फिर ऐसे ही इन्हीं गर्भ के नरकों में और ऊंधे लटक लटक के बार बार बाहर आएंगे और बार बार वहीं अंदर जाएंगे। ये तुम्हारा अज्ञान का जेर है जो तुम्हें अनंत कष्टों की यात्रा पे ले जाता है। जन्म और मरण ये कष्ट है, बड़े बड़े कष्ट हैं, लेकिन इसके बीच में जो छोटे छोटे कष्ट हैं वो भी कम नहीं है। तुम जिंदगी में कई बार कहते हो हाय हाय मर गए रे, जान ही निकल जाए तो अच्छा रहे, इससे तो तुम्हारी छाती पे चढ़ के तुम्हारे परिवार के लोग जब तुम्हें तीखे तीखे शब्दों के बाण चलाते हैं तो तुम कहते हो हे भगवान कब तक जिएंगे, इनकी बातें सुनेंगे। ऐसे तुम्हारे लिए संसारी लोग धोखा देते हैं, झूठे ब्लेम लगाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनती है जीवन में। कई बार तुम सोचते हो कह रहे रे मर जाए तो अच्छा रहे, लेकिन ये तो बहुत छोटे कष्ट हैं बच्चा, जब तुम जन्म और मरण में जब जाओगे तो बड़े बड़े ये बहुत महान कष्ट हैं। तो यदि ये तुम इनसे बचना चाहते हो तो ये ज्ञान की ओर बढ़ो, और ये जो तुम्हारा शत्रु है काम, एक बिगर सदगुरु की कृपा के नहीं मरेगा। ये भगवान ने कहा है कि हरि बिन मरे न निश्चर पापी, और गाधि तनय मन चिंता व्यापी। और ऐसा जो है विश्वामित्र जी के अंदर आया, कह रहे यार ये निश्चर पापी बिना राम लक्ष्मण के नहीं मर सकते हैं, तो बिना सदगुरु की कृपा के ये तुम्हारा काम रूपी शत्रु है, ये नहीं मर सकता, ये राक्षस है। और इसका भाई भी कौन है? क्रोध भी इसका भाई है। तो यही तुम्हारा शत्रु काम, ये छोटी सी कामना का एक बीज एक विचार के रूप में तुम्हारे अंदर उत्पन्न करता है, और फिर क्या होता है एक लंबी सी बेल श्रृंखला एक चेन बनती है विचारों की, और उसमें दुख कद्दू जैसे बड़े बड़े दुख लगते हैं उस बेल में। जैसे मीरा ने कहा था कि असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। तो हम इसका उल्टा कहना चाहते हैं, हम कहने चाहते हैं कि काम में फंस फंस कर और दुख बेल बोई, और कद्दू से दुख के फल लगे, अब खा करेगा कोई भोगो। तो गुरु की तो बात मानते नहीं हो। अंततः हम एक बात कहना चाहेंगे कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, परमात्मा सच्चिदानंद हो, परंतु तुम्हारे सच्चे स्वरूप को इस काम रूपी शत्रु ने तुम्हारे ज्ञान तुम्हारे बोध को भुला दिया है, ढक दिया है। यह तुम्हारा अवधान कभी भी अंदर जाने तुमको नहीं देता, ये हमेशा तुम्हें बाहर की तरफ फेंकता रहता है। तुम्हारी आत्मा रूपी दर्पण में चिदाभास और आत्मा को का प्रतिबिंब तुम अलग अलग देख नहीं पाते,
तुम्हारा अंतःकरण कभी शांत नहीं होने पाता। तुम्हारी अंतःकरण रूपी झील में हमेशा विक्षेपों की लहरें ऊंची ऊंची उठती रहती हैं, काम क्रोध से ढके हुए रहते हो। तुम आत्मा का प्रतिबिंब जीव हो, तुम आत्मा, तुम जो है ना जीव का जो जीव दशा को भी नहीं देख पाते। आत्मा को तो देखना बहुत अलग बात है। काम क्रोध की जेर से ढके हुए तुम ब्रह्म रूपी गर्भ को साक्षात नहीं कर पाते। इसलिए हम कहते हैं कि हम ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, अखंड व्याप्त ब्रह्म प्रकाश परमात्मा हैं। ऐसा ज्ञानानंद इस कामांधता, काम के अंधेपन से यह ढका हुआ है, यह आत्मानंद को तुम जान नहीं पा रहे हो। यह आवरण बिना गुरु की कृपा के भंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः तुमको पूरे प्राणों से, पूरी त्वरा से, पूरी तीव्रता से, पूरी अभिप्सा से सतगुरु को पुकारना होगा और सतगुरु को स्वीकारना होगा और सतगुरु के माध्यम से अपने जीवन को उस सत्य की साधना में लगाना होगा। और कोई चारा नहीं है। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शोहम।